अस्सलाम वालेकुम हबीबी, मुझे अभी अभी पता चला है कि 6 लाख रुपए डाउन पेमेंट और 300 रुपए पर डे के किस्त के हिसाब से आप लोगों को घर मिल रहा है। और मैं ये जानना चाहता हूँ, नेशन जानना चाहता है कि किस तरीके से ये पॉसिबल है मुंबई के अंदर 300 रुपए पर डे के हिसाब से 6 लाख रुपए डाउन पेमेंट में स्टेशन के नजदीक घर कैसे मिल सकता है। चलिए संवाददाता के पास। हेलो जी, बिल्कुल मैं सेलेस 612 के बाहर खड़ा हूँ और यहाँ पे लोगों का भीड़ उमड़ा है। अरे बाप रे, मतलब 2 बेडरूम खत्म हो गया। हाँ, यहाँ पे खत्म हो गया। ओहो, 300 रुपया रोज का देने का है, मतलब टीएमसी बिल्डिंग है और नियर बाय अपना स्टेशन है, और क्या चाहिए इंसान को। तो इस हिसाब से पब्लिक को आसान पड़ता है, मिडिल क्लास लोगों को आसान पड़ता है। तो मैं खुद भी जा रहा हूँ, आप भी आइए, और ज्यादा जानकारी के लिए इस नंबर पे कॉल करें। और कॉल भी तो पता है क्या करना है। और मैं भारत गैस एजेंसी का कस्टमर हूँ। मेरे घर में भारत गैस के जो अपना क्वालिटी का एक एजेंसी है मुमरा के अंदर। कहाँ पर है एजेंसी? ये एजेंसी मिली अपना यादगार होटल के बाजू में। अच्छा। अल्ताफ भाई नाम है उनको, 2015 में भारत पेट्रोलियम कंपनी ने उनको एजेंसी दिया हुआ है। और हम जो देते हैं ये बाटले की रकम देते हैं, उस पर इनको 73 रुपीज़ 94 पैसे कमीशन दिया जाता है एक बाटले पे। अच्छा। जिसके अंदर 39 रुपीज़ कुछ पैसा एजेंसी को दिया जाता है और 33 रुपीज़ डिलीवरी करने वाले डिलीवरी बॉय को दिया जाता है, उसके नाम पे निकाला जाता है। अच्छा। इस तरह की इन्फॉर्मेशन मुझे भारत पेट्रोलियम गैस कंपनी ने दिया है। अच्छा यूसुफ भाई, आपने कुछ आरटीआई डाले थे, उसमें क्या जवाब मिला है आपको, क्या जानकारी मिली है, क्या कहना चाहोगे? ये आरटीआई डालने की एक वजह है, वो ये है कि मेरे घर मेरे घर में 2 बार मैंने बाटला मंगाया तो मैंने ऑनलाइन पेमेंट करता हूँ, और जो रसीद आती है रसीद के बावजूद उन लोग 20 रुपये एक्स्ट्रा मांगते थे, तो मैं बोला एक्स्ट्रा मैं पैसा नहीं दूंगा, एक बार दिया 2 बार दिया। और मैं पहले देता था, मगर जब मुझे मालूम पड़ा जब हमको डिलीवरी का नहीं है तो मैं क्यों दूँ चार्ज। हाँ, मगर वो एकदम मतलब उधर पे जो डिलीवरी बॉय आते भाई जैसे भाईगिरी करते, देना पड़ेगा तो लेके जाऊँगा, तो मतलब भाई दूंगा नहीं, तो मेरा बाटला लेके चले गया। ये इसकी कंप्लेंट आपने एजेंसी में की थी? एजेंसी में भी किया था मैंने, और हमारे जो ऑनलाइन है पोर्टल है बीपीसीएल का, उस पर भी किया था। उसके 2 दिन के बाद में उन लोग ने मेरे को बाटला पहुंचा के दिए। यूसुफ भाई, आपका घर कौन से फ्लोर पे? मेरा घर 40 में ग्राउंड फ्लोर पे। और जब मैंने कंप्लेंट करने के बाद मेरे को उन्होंने बाटला पहुंचाया, फिर उसके बाद दोबारा भी यही हरकत हुई, तो मैं कंप्लेंट किया, कंप्लेंट करने के बाद फिर वापस उन्होंने मेरे को बाटला दिया, मैं पैसा नहीं दिया 20 रुपया। बात 20 रुपये की नहीं आती है, जब हम लोगों से 3 गुना ज़्यादा पैसा गवर्नमेंट ले रही है। जो बाटला 300 में आता था 2014 में, आज उसका मैं 903 रुपया देता हूँ। 903 रुपया देने के बाद पावती आती, पावती के अलावा एक्स्ट्रा पैसा जब डिलीवरी बॉय दादागिरी से मांगा जाता है तो मैं क्यों दूँ। आरटीआई में आपने ये और क्या क्या सवाल किया था, उसमें क्या क्या? मैं आरटीआई में मैंने पूछा था कि मुमरा की जो अपना मुमरा में ये बीपीसीएल कंपनी किसको ये दिया हुआ है, उसकी मुझे जानकारी दे दो, एजेंसी दिया हुआ उसकी जानकारी दो। और उस एजेंसी के साथ में आपने अगर एग्रीमेंट किया रहेगा तो एग्रीमेंट की कॉपी दे दो। और उस एजेंसी के पास कितने डिलीवरी बॉय है, उनके पीसीसी सर्टिफिकेट है क्या, जिसे बोला जाता है पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट क्यों मांगा जाता है? कोई हादसा होता है, कागज कोई किसी के पास जाके ये बदतमीजी करता है, या तो घर में आओ धकेले देती है, बाल बच्चे के साथ बदतमीजी करता है, तो उसके लिए इन लोग जांच करने के बाद में उधर पे काम पे रखा जाता है। आज देखो, हम लोग कोई कहीं कंपनी में जाते हैं तो हमसे पीसीसी मांगा जाता है, वो मैंने मांगा था माहिती में, मगर इन लोग ने मुझे वो माहिती में दिया नहीं है। एक तो एग्रीमेंट नहीं दिया, बोलता वो पब्लिक प्रॉपर्टी है, वो अपना वो सीक्रेट है, वो दे नहीं सकते, देंगे तो मतलब कुछ। तो मैंने वापस अपील किया हूँ, अपील में ये पॉइंट डाला हूँ कि ये जो एजेंसी देने के टाइम में टेंडर कॉल किया जाता है, तो ये प्राइवेसी थोड़ी देती है। जब टेंडर कॉल किया तो प्राइवेसी की तरह ही है, और टेंडर कॉल होने के बाद में जिसका कम आता है उसी को उन लोग उसके साथ एग्रीमेंट करते, तो ये पब्लिक प्रॉपर्टी है, तो पब्लिक प्रॉपर्टी इज नॉट प्राइवेसी। अब मेरा जानने का हक है कि उसको किस टर्म कंडीशन पे आपने उसको एजेंसी दिया है, ये मेरा जानने का हक है, आम नागरिकों को जानने का हक है। और ये मैंने मुमरा के लिए नहीं किया हूँ, ये मैंने मांगा भाई थी, अभी इससे जो भी फ़ायदा होगा ये फ़ायदा हमारे पूरे इंडिया के लोगों को होना चाहिए, क्योंकि 33 रुपया ऑल ओवर इंडिया में डिलीवरी बॉय को देते हैं, और 39 रुपीज़
उसको दिया जाता है एजेंसी वाले को, ताकि वो अपना जो भी है रसीद वगैरह रख के लोगों को मेंटेन करके काम पे लगाए और अपना बाटला घर घर पहुँचाए। तो मैं कंप्लेंट करने के बाद में भी क्या होता है, मेरे को बाटला देते हैं, मगर जो मेरे साथ बदतमीजी किया, जो मेरा बाटला लेके जाता है, वो डिलीवरी बॉय पे कार्रवाई क्यों नहीं होती है? उसकी एक वजह है, क्योंकि वो डिलीवरी बॉय को उन लोग को ऑथोराइज नहीं रखते। वो ऑथोराइज रखने का काम किसका रहता है, जिसको डिलीवरी बॉय रहता है, मेन डिलीवरी बॉय, वो अपने हाथ के नीचे 10 आदमी रखता है। अच्छा, वो भी अपने हाथ के नीचे दूसरे, हाँ, जब भी तो उनको पैसा नहीं देता है। जब मैं वो डिलीवरी बॉय को पूछा, भाई तेरे को तो पगार मिलती? नहीं, कुछ नहीं मिलता भाई मेरे को, तुम देंगे तो मेरा घर चलेगा, तो नहीं चला। अरे आपको थोड़ी मैंने बुलाया, मैं तो ऑलरेडी 3 गुना पेमेंट देके अपने ये बाटला वो करता हूँ, बुकिंग करने के आदमी उसका पैसा देता हूँ, रसीद आती है 903 रुपये का, तो मैं एक्स्ट्रा नहीं दूंगा, नहीं देना पड़ेगा, लेके जाऊँगा। तो मैंने कंप्लेंट किया, तो मेरा बाटला आया, मगर उस डिलीवरी बॉय पे आप कार्रवाई क्यों नहीं करते हो? तो मैंने ये पूछा हूँ, और मैंने जो आटे डाला था, आटे के अंदर क्लियर कट उन्होंने कहा है कि प्राइवेसी है, सीक्रेट है, हम दे नहीं सकते। तो मैं अपील में गया हूँ अभी, और अपील में इंशाल्लाह मुझे पीसीसी का भी मिलेगा, कितने लड़के इसके इधर काम पे है डिलीवरी बॉय, उसकी भी जानकारी मुझे मिल जाएगी। और मैं आम जनता से एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, उनको बताना चाहता हूँ, आप अगर आपके मन में है किसी को मदद करना है तो मदद कर सकते हो, मेरे बोलने पे मत करिए आप लोग। मगर कोई दादागिरी करके डिलीवरी बॉय पैसा मांगता है, उससे हरगिज मत दो, कि ऑलरेडी आपके दिए हुए पैसे से उनको 33 रुपया गवर्नमेंट खुद दे रही है, एक बाटला पे दे रही है 33 रुपया कमीशन, आपके घर तक पहुंचाने का दे रही है। भले वो 20 वाला रहने दो, 30 वाला रहने दो, भले पहाड़ पे रहने दो, किधर भी रहने दो, एक्स्ट्रा पैसा मत दो। उस डिलीवरी बॉय की आप कंप्लेंट करो, अगर आपको एजेंसी वाले बोलता है इतना ऊपर नहीं दूंगा, तो वो एजेंसी वाले की भी कंप्लेंट करो। वो एग्रीमेंट में ये सब है, ये टर्म कंडीशन है, इसलिए मैं कहते हैं एजेंसी वाले ने उनको मैनेज किया रहेगा, पीआईओ को, जन माहिती अधिकारी को, उससे पब्लिक इन्फॉर्मेशन ऑफिसर को मैनेज करा रहेगा, इसीलिए उन्होंने हमें माहिती नहीं दिया है। मगर मैं अपील में गया हूँ, मुझे इतना भरोसा है कि मुझे जितनी भी जानकारी चाहिए वो पूरी जानकारी मेरे को मिलेगी।